जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना ताकि आपको इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की जो तीन चुनौतियां हैं उसको आप देख सकें। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे। तो मैं विकास एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रैकबुक जेन में। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन हम कर चुके थे कि भाई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है। बट साथ ही साथ जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसे कहा जाता है। द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसे कहा जाता है। कॉपी में नोट डाउन जरूर करना क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये। द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है? अगर इसको बहुत आसान तरीके से समझो, द्वि राष्ट्र मतलब दो राष्ट्र, द्वि राष्ट्र मतलब दो राष्ट्र। दो राष्ट्र की फिलॉसफी कहां से आई? तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये हमारे भारत में मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम लीग, उस पार्टी के अध्यक्ष थे। और इनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश भारत है वो ब्रिटिश भारत किसी एक कौम का देश नहीं है। मैं कह रहा हूं किसी एक कौम, ध्यान से सुनना, किसी एक कौम का देश नहीं है, वो दो कौमों का देश है। दोबारा, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते थे कि जो ब्रिटिश भारत है वो ब्रिटिश भारत किसी एक कौम का देश ना होकर दो कौम का देश है। तो आपके मन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ये कौम का मतलब क्या है। यहां कौम का मतलब है धर्म। कौम का मतलब क्या है? धर्म। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि ब्रिटिश भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, वो दो धर्मों का देश है। इसीलिए अगर ब्रिटिश भारत आजाद होगा, तो ब्रिटिश भारत जब आजाद होगा तो वो दो रूपों में आजाद होगा, एक हिंदुओं के लिए आजाद होगा और एक मुस्लिमों के लिए आजाद होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना यही कहते हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनना चाहिए और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनना चाहिए। इसी विचार को द्वि राष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। शुरुआती समय में किसी ने भी द्वि राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था क्योंकि कोई भी चाहता ही नहीं था कि हमारे देश का विभाजन हो। बट 1940s के बाद राजनीतिक रूप से इतने सारे परिवर्तन हुए कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो बात थी द्वि राष्ट्र सिद्धांत की, उसको सभी को स्वीकारना पड़ गया और अंततः फिर भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और यह विभाजन कब सुनिश्चित किया गया? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को इस बात पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए गए कि ब्रिटिश भारत दो खंडों में टूटेगा, एक पाकिस्तान बनेगा और एक हिंदुस्तान बनेगा। इसी को ही द्वि राष्ट्र सिद्धांत का नाम दिया जाता है। इसके बाद चैप्टर में जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन अगर हुआ तो भारत के विभाजन की प्रक्रिया कैसी थी, अर्थात भारत के विभाजन को कैसे कैसे किया गया। तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या है। हम बात कर रहे थे सेकंड प्रश्न की। प्रश्न आप कॉपी में नोट डाउन करिए, ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया कैसी थी। ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया कैसी थी। कॉपी में जरूर नोट डाउन करना। इसके चार पॉइंट है, ध्यान देना। कितने पॉइंट है इसके? चार पॉइंट। पहला पॉइंट लिखोगे ब्रिटिश भारत का विभाजन,
ब्रिटिश भारत का विभाजन। सेकंड पॉइंट लिखोगे खान अब्दुल, खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका। थर्ड पॉइंट लिखोगे जिला व प्रांतीय स्तर पर विभाजन। फोर्थ पॉइंट लिखोगे अल्पसंख्यकों की समस्या। तो क्या है इन पॉइंटों में उसको देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारत का विभाजन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रिटिश भारत है एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा भारत बांग्लादेश इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर ब्रिटिश भारत बनता था। जब भारत के विभाजन की बात आई तो प्रश्न ये उठा कि अगर भारत का विभाजन किया जाएगा तो उसका आधार होगा क्या, मतलब किस बेस पर हम भारत का विभाजन करें। तो उस समय एक पॉइंट ये निकल कर आया कि भाई हम धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर सकते हैं। क्या पॉइंट निकल कर आया उस समय, बात ये हुई कि भाई धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किया जा सकता है। तो सभी ने कहा ठीक है हिंदुओं को अलग कर दो मुस्लिमों को अलग कर दो, बट फिर भी एक प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम मुस्लिमों को अलग करें तो प्रश्न ये खड़ा था कि भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हो जिसको हम अलग करेंगे। तो देखा यह गया कि भारत में तो हर जगह मुस्लिम है, अगर पाकिस्तान बनाना ही है तो एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं था जहां पर संख्या ज्यादा हो। हमारे पूरे भारत में मुस्लिम फैले हुए थे, तो क्या पूरे भारत को ही पाकिस्तान बना दिया जाए। तो उस समय यह डिसाइड किया गया कि कुछ मुस्लिमों की संख्या पूर्व में थी और कुछ मुस्लिमों की संख्या पश्चिम में थी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे आज आप बांग्लादेश देख रहे हो ना और जैसे आज आप पाकिस्तान देख रहे हो, उस समय जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था तो इसी पश्चिमी इलाके में जहां आज आप पाकिस्तान देखते हो वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, और पूर्वी इलाके में जहां आज आप बांग्लादेश देखते हो वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। तो प्रश्न उस समय यह बना कि भाई ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो तो बहुत दूरी पर हैं, ना ही इधर के मुस्लिमों को उठाकर पूर्व में लाया जा सकता है और ना ही पूर्व के मुस्लिमों को उठाकर पश्चिम में लाया जा सकता है, तो कैसे पाकिस्तान का गठन किया जाए। तो उस समय ब्रिटिश और अधिकारियों ने यह डिसाइड किया कि एक पश्चिमी पाकिस्तान बन जाएगा और एक पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा, और शेष बचा जो बीच का हिस्सा होगा उसको भारत या हिंदुस्तान कह दिया जाएगा। और उस समय इस बात पर सहमति बन गई थी कि पाकिस्तान दो दिशाओं में बनेगा और बीच का हिस्सा हिंदुस्तान बन जाएगा। इस तरीके से भारत के विभाजन की जो स्थिति थी, भू क्षेत्र का जो विभाजन था वो पूरा कर दिया गया। फिर प्रश्न ये उठा कि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी थे जो पाकिस्तान या फिर कहो अलग से मुस्लिम राष्ट्र की कोई कल्पना करते ही नहीं थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका आती है। अभी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखना काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी जाती है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर पे रहा करते थे और गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते थे और विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने अपने जीते जी मुस्लिमों को काफी समझाया कि हमें विभाजन को स्वीकार नहीं करना है, परंतु इनकी कोशिशें नाकामयाब हो गई, इनकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं हो पाई और अंततः भारत का विभाजन कर ही दिया गया। बट एक प्रश्न उठता था कि बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे, तो जो मुस्लिम हमारे ही देश में रहना चाहते थे उनको अपने देश में सुरक्षा कैसे दी जाए। तीसरी बात, जिला व प्रांतीय स्तर पे विभाजन। जब यह डिसाइड कर दिया गया कि पश्चिम में पाकिस्तान बनेगा पूर्व में पाकिस्तान बनेगा, तो पश्चिम में गुजरात राजस्थान और पंजाब इन क्षेत्रों को बांटकर पाकिस्तान बनाना था, जबकि पूर्व में असम और बंगाल को बांटकर पाकिस्तान बनाना था।
अब इन क्षेत्रों में बॉर्डर कैसे सुनिश्चित किया जाए कि भाई पंजाब का कितना हिस्सा भारत के अंदर रहेगा, कितना हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, गुजरात का कितना हिस्सा भारत में रहेगा, कितना हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। वैसे ही पूर्व में अगर आओगे तो बंगाल का कितना हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाएगा, असम का कितना हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाएगा। तो यहां पे जिला स्तर पर मतलब जिला बांटे गए कि आधे जिले भारत में होंगे, आधे जिले पाकिस्तान में होंगे, वैसे प्रांत बांटे गए, क्षेत्र बांटे गए। तो आप ये समझ सकते हो कि जहां जहां पर बॉर्डर बनाना था भारत और पाकिस्तान का, उन क्षेत्रों में जिला और प्रांतीय स्तर पर बंटवारा हुआ। ये बंटवारा कहां कहां पर हुआ तो आप ये जान सकते हो, पंजाब, बंगाल और असम में, यहां पर जिला और प्रांतीय स्तर पर बंटवारा किया गया। फिर फोर्थ पॉइंट आता है अल्पसंख्यकों की समस्या। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं उसमें भी हिंदू रहा करते थे, सिख रहा करते थे, और जो भारत आज है उसमें मुस्लिम तो पहले भी रहा करते थे, आज भी रहा करते हैं। बट जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे मुस्लिमों को भारत से पाकिस्तान में जाना था और बहुत सारे हिंदू और सिखों को पाकिस्तान से भागकर भारत में आना था। तो प्रश्न ये उठा था कि जो लोग पहले से ही अपने क्षेत्र में रह रहे थे वो एक रात के अंदर विदेशी बन जाते हैं, और अब वे लोग वहां पे अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि अब पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर तो मुस्लिमों की संख्या रहेगी, तो वहां पे हिंदू और सिख तो अल्पसंख्यक हो गया। वैसे ही भारत के अंदर तो अब हिंदू संख्या रहेगी, तो यहां के मुस्लिम हो गए अल्पसंख्यक। तो प्रश्न दोनों ही तरफ के सरकारों के सामने ये था कि भारत ये चाहता था कि अपने हिंदू और सिखों को सुरक्षित कैसे लाया जाए, वैसे ही पाकिस्तान को भी ये सोचना था कि हम अपने मुस्लिमों को सुरक्षित पाकिस्तान में कैसे पहुंचाए। तो ये जो समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या थी कि कैसे हिंदू और सिख को भारत लाया जाए और कैसे मुस्लिमों को सुरक्षात्मक तरीके से उनके देश पाकिस्तान में भेजा जाए। यह पूरी प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही, 2-3 सालों तक चलती रही, और अंततः जाके विभाजन की प्रक्रिया पूरी हुई। 4 पॉइंट्स थे, दोबारा रिवीजन करते हैं। ब्रिटिश भारत का विभाजन था, खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका थी, जिला व प्रांतीय स्तर पर विभाजन था, अल्पसंख्यकों की समस्या थी। ये प्रश्न पूरा हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है भारत के विभाजन का परिणाम। तो परिणाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी आप किसी तरीके के क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको कारण और आपको परिणाम देखने को मिलते होंगे। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद आखिरकार परिणाम के रूप में हमें क्या दिखा। तो अगर हम बात करें परिणामों की तो परिणाम में भी केवल 4 से 5 पॉइंट है, पॉइंट आउट्स में लिख देता हूं। पहला, भू क्षेत्र का विभाजन, भू क्षेत्र का विभाजन कॉपीज में आप भी नोट डाउन कर लेना। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक दंगों का भड़कना, दंगों का भड़कना। तीसरा पॉइंट है महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ दुष्कर्म। शरणार्थी शिविरों में पनाह, शिविरों में पनाह। संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा। अब ये बात तो आप समझ ही सकते हो, भू क्षेत्र के विभाजन का अर्थ क्या है। भू क्षेत्र के विभाजन का अर्थ यह है कि भाई जब भारत और पाकिस्तान बने, अर्थात ब्रिटिश भारत जब बटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भू क्षेत्र पहले एक साथ हुआ करता था वो भू क्षेत्र अब कितने हिस्सों में टूट गया था, 2 भागों में टूट गया था। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ब्रिटिश भारत पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जैसे ही भारत आजाद हुआ या फिर विभाजन हुआ तो उसका जो परिणाम निकला, वो परिणाम ये निकला कि पूरा जो ब्रिटिश भारत था वो 2 भागों में टूट गया था, जो भू क्षेत्र थे वो बट गए। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ मारकाट कर रहे थे। स्थिति तो यहां तक आ गई थी कि बहुत सारे हिंदुओं ने मुस्लिमों के क्षेत्र में जाना छोड़ दिया था और बहुत सारे मुस्लिमों ने हिंदुओं के क्षेत्र में जाना छोड़ दिया था। तीसरा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हुए।
हुआ क्या, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो हिंदुओं ने मुस्लिमों के साथ और मुस्लिमों ने हिंदुओं की महिलाओं के साथ बहुत दुष्कर्म किए। इवन यहां तक देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने घर की बहू बेटियों महिलाओं को अपने हाथ से ही मार दिया, ये कहते हुए कि अगर ये किसी और के हाथ में चली जाएंगी तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा, उनके साथ दुष्कर्म किया जाएगा जिससे हमारी कुल की इज्जत चली जाएगी। इसीलिए उन परिवारों के लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को खुद ही अपने हाथ से मार दिया ताकि वो अपने कुल की इज्जत को बचा सके। फोर्थ पॉइंट, शरणार्थी शिविरों में पना। प्रश्न तो यह भी था कि जब लोग भारत से भागकर पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से भागकर लोग भारत आएंगे तो उनको पनाह दी कहां जाएगी, तो उनको जो पनाह दी गई वो थी शरणार्थी शिविरों में। आपने टेंट हाउस देखे होंगे, काफी सारे कैंप जिसे कहते हैं, तो अगर आपने टेंट हाउस देखे हैं, कैंप देखे हैं, तो लाइटली वैसे ही होते हैं शरणार्थी शिविर, और यहां पर लोगों को लाकर बसाया गया ये मानते हुए कि भाई कुछ समय के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सभी लोगों को अपने अपने घर बार मिल जाएंगे और सभी लोग हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। बट कई लोगों की तो जिंदगी शिविरों में ही बीत गई, मतलब वो वहीं पर मर गए पर उनको कोई भी स्थान मिला ही नहीं। तो विभाजन जब हुआ तो उनको ऐसा लगा कि हम अपने देश में जा रहे हैं, वहां पे हमें स्थान मिल जाएगा, हम हंसी खुशी रह लेंगे, बट उनको क्या पता था कि हमें पूरी जीवनी जीवन जो है वो एक शरणार्थी कैंप में ही बिताना पड़ जाएगा, तो उनके लिए विभाजन बहुत दुखदायी था। लास्ट में संपत्ति का बंटवारा। ऑब्वियस सी बात है, आप ये छोटी सी बात जानते होगे, जब घर में भी बंटवारा होता है तो एक एक ईंट, एक एक चप, एक एक बर्तन, एक एक चीजों का बंटवारा होता है, तो वैसे जब देश का भी बंटवारा हुआ तो बात वही हुई। पुलिस, रेलवे, टाइपराइटर, सेना, हर वो चीज जो भारत और पाकिस्तान में बंट सकती थी उसको बांटा गया और हर संपत्ति के दो खंड किए गए। तो इस तरीके से हमने विभाजन के परिणाम को भी समझा, विभाजन की प्रक्रिया को समझा, द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी समझा, और प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलना। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं पर नोट्स कहां से मिलेंगे सर, तो नोट्स के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस टेलीग्राम का चैनल का नाम है, आप जाइए टेलीग्राम पे, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे सर्च करिए और सर्च करके आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें ताकि आपको वहां पे अपडेट मिलते रहें। मिलेंगे हम ऐसे ही अगले पार्ट के साथ, तो हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए।